आज बात करते हैं हमारा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। मस्त पानी है, हेल्दी पानी है, ऐसा पीना चाहिए। ओके, सो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, हमारा जो भी काम है उसको ज़्यादातर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, पहले तो आपको जहाँ पे काम करने वाले उसको नीट एंड क्लीन, पहले जगह डेस्क मस्त रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो क्लटर फीलिंग नहीं आएगा, कचरा पड़ा है, कौन सी चीज़ काम पे है पता नहीं है, ये माहौल में आप काम नहीं कर सकते, पहले उसकी चीज़ करना, नंबर वन। नंबर टू, आप सब लोग बिज़ी होते हैं लेकिन क्या बिज़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपका पूरा फोकस, कौन सा काम मुझे पहले करना है, सेकेंड करना, थर्ड करना, ऐसा आपको काम डिसाइड करना है। ज़्यादातर तीन या पाँच के ऊपर कोई भी काम आपका होने नहीं चाहिए, क्योंकि टू डू लिस्ट बढ़ जाता है, हमारा काम होता नहीं है, उसके ऊपर का पावर भी कम हो जाता है। सेकंड, थर्ड, हमेशा एक अच्छा नेचुरल जगह होना चाहिए, जैसे ऐसी जगह आपका ऑफिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक विंडो के बाजू में, लाइट के बाजू में, एनवायरनमेंट बहुत अच्छे, एक माहौल होना चाहिए जो आपको काम करने में मज़ा आएगा। थर्ड में, फोर्थ, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें एक गलत होगा, दखलअंदाज होगा, प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, इतना परेशानी आ सकती है वो काम करने पे, आपको हिलना नहीं, हिलना डुलना नहीं, करना ही करना है, राइट। सो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर सकते हो। ओके, ये हो गया। पांचवी चीज़, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है। आप गर्म पानी पी सकते हो, पानी पी सकते हो, एक बार जाके वॉकिंग करके आ सकते हो, अपने आप को फ्रेश कर सकते हो, दो तीन जंपिंग कर सकते हो, राइट। ये सब अपने आप को एक्टिव, बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, जिससे आपका दिमाग भी तेज होगा, काम करने में मज़ा आएगा, कोई भी काम हो। पांचवी चीज़ है। छठवा, हमेशा आप थोड़ा स्लीप अच्छी तरह से होना चाहिए, नींद होना चाहिए अच्छी तरह से। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप सिर्फ 25% आप नींद आएगा, बाकी आपका 25% दिमाग काम करेगा, बाकी 75% वैसे ही अपना दिमाग काम नहीं करता है। उसमें नींद बराबर नहीं है तो इरिटेशन होगा, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन काम पे नहीं होगा, तो आपका पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन इसमें होना चाहिए, राइट। स्लीप अच्छी तरह से होना चाहिए पहले दिन, ताकि आपका दूसरे दिन अच्छा काम हो। हो गया ये सिक्स। सेवेंथ, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपने प्लान किया मुझे ये काम करना है, किसी भी हालत में वो काम ख़त्म करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, आए नहीं आए, वो डिटर्मिनेशन, आपने रात को ये कंप्लीट करना है तो रात को 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे पहले कंप्लीट करके ही सोना है। उस तरह का एक डेडिकेशन होना चाहिए। ये मत पूछो कि फिर नींद मेरा कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्लान करके आपको वो जो काम आपने डिटर्माइन किया मुझे ये करना है तो करना ही है, छोड़ना नहीं है। इस तरह का आपका, अगर एक बार ये 7 चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी में आपने इम्प्लीमेंट किया, पक्का आप जो भी काम चाहिए कर सकते हो, राइट। थैंक यू।